वेलकम बैक चिल्ड्रन। चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे हिंदी का। चैप्टर का नाम है दक्षिण गंगा गोदावरी। ये पाठ जो लिखा गया है ये लिखा गया है श्री काका कालेलकर के द्वारा, और लेखक ने इस पाठ के अंदर हमको नदियों के महत्व के बारे में बताते हुए भारत में बहने वाली नदियों का चित्रण हमारे सामने बड़ी सुंदरता से पेश किया है इस पाठ के माध्यम से। तो जैसे कि काका कालेलकर जिनको हम कहते हैं लेखक, वो मानते हैं कि नदियां जो हैं वो हमारी लोक माता है। उनको लोक माता इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, वैसे ही नदियां जो हैं वो हमारी माता हैं और वो हम लोगों का भरण पोषण करती हैं। आपको ये भी पता होगा कि जीवन की जो शुरुआत हुई थी, यानी कि मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, वो नदी के किनारे से ही हुई थी। तो नदियों के किनारों पर ही शहर और गांव बसे और वहीं से बढ़कर आज हम इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो भारत में बहती हैं उनका सबका, वो वहाँ पर गए, उन्होंने उन नदियों को देखा और बड़े सुंदर तरीके से उनका चित्रण जो है हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से किया है। उनका मानना है कि जैसे उत्तर में नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गंगा नदी है जितना उसका महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में गोदावरी नदी का बहुत महत्व है। इसीलिए उन्होंने गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा है, दक्षिण गंगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अभी मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। तो लेखक बताते हैं कि जब वो मद्रास से राजमहेंद्री जा रहे थे तो बेजवाड़े से आगे पहुंचते ही सूर्योदय हो गया, यानी कि सूरज निकल गया, दिन की शुरुआत हुई। और बरसात के दिन थे उस समय, इसलिए चारों तरफ वातावरण जो था वो हरियाली भरा था, क्योंकि आप जानते हैं बारिश के समय चारों तरफ पर्यावरण जो है वो हरा भरा ही नज़र आता है। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की सड़क के किनारे किनारे बह रही थी, और वो अपने ईस्टर्न साइड में बता रहे हैं, पूर्व की दिशा में बता रहे हैं कि एक नहर जो थी वो रेल की सड़क, यानी कि जो रेल की पटरी थी, उसके किनारे किनारे बहती जा रही थी। पर किनारा ऊंचा होने के कारण पानी हमें कभी कभी ही दिख पड़ता, तो किनारा थोड़ा ऊंचा था, इस कारण से नदी का पानी दिख नहीं रहा था प्रॉपरली। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल फैलाकर कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। यानी कि किनारा थोड़ा ऊंचा था, इसलिए लेखक जो थे वो अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि सामने नदी है, लेकिन जो नदी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो नावें खड़ी थी, नाव जो थी, बोट्स जो खड़ी थी, वो एक कतार यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में क्यू में खड़ी हुई थी, और उन नावों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि वहाँ पर नदी होगी, नहर होगी। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी मिलते, इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता, और इससे पानी की गहराई और भी अता हो जाती। लेखक बताते हैं कि बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी थे, और उन तालाबों के अंदर जो बादल थे उनकी परछाई इस प्रकार से प्रतीत होती थी जैसे वो बहुत उसमें नहाने के लिए उतरे हों। जैसे कि आप देखोगे किसी भी तालाब या पानी वाली वाटर बॉडी के अंदर, आप देखोगे नदी में जहाँ पानी स्टिल हो, वहाँ पर आपको बादलों की परछाई उसके अंदर दिखाई देगी। तो लेखक यहाँ पर उसको दर्शाते हैं कि ऐसा लगा कि जैसे बादल जो हैं, आसमान जो है, उसमें नहाने के लिए उतरा हुआ हो, और वहाँ पर पानी की गहराई भी दिखाई देती थी, और वो और भी अता हो जाती। अता मतलब होता है अनलिमिटेड, वी कैन से बहुत ज़्यादा असीमित, यानी कि जब बादल आसमान कितना ऊंचा है हमसे, बहुत ऊंचा है, जब वो आसमान हमें उसी की प्रतिबिंब, उसी आसमान की जो छवि हमको, उसका अक्ष हमें जब पानी के अंदर दिखाई देगा शीशे की तरह, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे पानी बहुत ही गहरा है। कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगुलों को देख कर सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता। अब वहीं पर बगुले जो कि पानी के आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं पक्षी, वो पक्षी जो थे वो खामोश खड़े हुए बगुले उनको दिखाई देते कभी को, तो वो ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करते, वो जो बगुले थे वो ठंडी हवा का आनंद लेते। और लेखक कहते हैं इस दृश्य को देखकर, उस ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर मन मचल पड़ता था। इस तरह कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ गया। तो लेखक कहते हैं कि इसी तरह मैं चलता गया और इन सुंदर दृश्यों को देखकर अपनी कविताओं को संजोता गया, और
अंत में कोवूर स्टेशन कब आ गया पता ही नहीं लगा। मन में यह उमंग भरी थी कि अब यहाँ से गोदावरी मैया के भी दर्शन होने लगेंगे। तो लेखक दक्षिण भारत के टूर पर निकले हैं, दक्षिण भारत की तरफ निकले हैं, और वो कहते हैं कि जब वो कोवूर स्टेशन पहुँचे तो उन्हें अभी गोदावरी माता के दर्शन होने का अनुमान लगा। पुल पर से गुजरते वक्त दाएं देखें या बाएं, हम इसी उधेड़ बुन में थे, पुल आ गया और भगवती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखाई पड़ा। लेखक बता रहे हैं कि पुल यानी कि नीचे नदी बह रही थी और ऊपर पुल बना हुआ था जिसपे से ये जो गाड़ी थी रेलगाड़ी वो चल रही थी। पुल से गुजरते वक्त लेखक कहते हैं कि हम बाएं तरफ देखें या दाएं तरफ देखें, यानी कि वो हमारे लिए एक मतलब कश्मकश्म दे हम कि कौन सी दिशा में देखें, क्योंकि दोनों ही तरफ का जो नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर था। अगर आप ईस्ट साइड में देख रहे हैं अपने राइट हैंड साइड में तो वहाँ भी बहुत ही सुंदर दृश्य था, वहीं लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था, इसलिए किस तरफ हम देखें हम काफ़ी कश्मकश में थे। और तभी पुल आ गया और भगवती गोदावरी नदी जो थी उसका विशाल पाट दिखाई देने लगा। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्र, इरावती जैसी महानदियों के विशाल प्रवाह जी भर कर देखे हैं। बेजवाड़े में कृष्णा माता के दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा, लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ निराली ही है। लेखक ने कुछ नदियों का नाम लेते हुए कहा है कि गंगा, सिंधु, सोनभद्र और इरावती जैसी महानदियों का प्रवाह लेखक ने देखा है, यानी कि उनको बहते हुए लेखक देख चुके हैं, लेकिन जैसे ही वो बेजवाड़े में कृष्णा नदी के दर्शन करते हैं उस पर भी उनको गर्व है, लेकिन राजमहेंद्री नामक जगह जो है जो उससे आगे वो बढ़ते हैं और गोदावरी नदी के जब उनको दर्शन होते हैं उसका विवरण देते हुए वो कहते हैं कि गोदावरी नदी की तो शान और शौकत ही डिफरेंट है, निराली है, सबसे अभिन्न है। इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का या प्रकृति के ठाट बाट का अनुभव किया उतना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। लेखक कहते हैं कि इस जगह पर जब उन्होंने गोदावरी नदी के दर्शन किए उस समय जो दृश्य था, जो ये भव्यता उनके लिए, जो ये ग्रैंड जो सिनेरियो था, ये जो सीन था जो बहुत ही ग्रैंड था, और लेखक कहते हैं कि इस ठाट बाट को, प्रकृति की इस सुंदरता को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पश्चिम की तरफ नज़र फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियाँ नज़र आई। जब उन्होंने अपनी नज़र पश्चिम वेस्टर्न डायरेक्शन में घुमाई तो वहाँ पर दूर दूर तक उनको पहाड़ियाँ ही नज़र आने लगी। आसमान में बादल घिरे रहने से सूरज की धूप का कहीं नामो निशान तक न था। आसमान में बादल घिरे हुए थे इसलिए सूरज जो था वो दिखाई नहीं दे रहा था और धूप तो कहीं थी ही नहीं क्योंकि चारों तरफ बदली छाई हुई थी। बादलों का रंग सांवला होने के कारण गोदावरी की धूली दूसरी मटमैले जल की छाई और भी गहरी हो रही थी। अब आसमान के बादल जो थे उनके घिरे होने के कारण धूप नहीं दिखाई दे रही थी और बादलों का रंग जो था वो सांवला होता जा रहा था, यानी कि वो डार्क था, काला रंग था बादलों का। और गोदावरी नदी की जो धूली धूसरित मटमैले जल की झाई का मतलब होता है छाया, और भी गहरी हो रही थी, यानी कि ऊपर वातावरण था जो बादल थे वो भी काले काले थे, तो यानी कि डार्कनेस थी, धूप तो कहीं थी नहीं, और नीचे जो पानी बह रहा था वो भी मटमैला पानी था, यानी कि इट वॉज ब्राउन कलर का पानी, जैसे मिट्टी होती मिट्टी जैसे रंग का पानी था, वो और ज़्यादा गहरा दिखाई देने लगा। आप धूप के समय अगर मटमैले पानी को देखोगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर चारों तरफ अंधेरा हो यानी कि बादलों की एकदम छाया हो और उसमें अगर आप ऐसा देखते हो तो वहाँ पर आपको पानी जो है वो और ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। ऊपर की ओर नीचे की झाई के कारण इस सारे दृश्य पर वैदिक प्रभात की शीतल और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। और इससे भी आगे जाएं तो ऊपर की ओर से जो पानी ये बह रहा था, पानी का जो मटमैलापन जो था वो सारे दृश्य को और ज़्यादा सुंदर बना रहा था। वैदिक प्रभात यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कि प्राचीन समय की कोई सुबह हुई हो, और प्रभात जो था, प्रभात कहा जाता है सुबह को, सवेरे को, तो सवेरे की शीतलता और ज़्यादा, मतलब उसकी और ज़्यादा जो उसका उसकी शीतलता और ज़्यादा बढ़ गई और स्निग्ध सुंदरता छाई हुई थी। स्निग्ध का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ऐसा दृश्य जो आपने कहीं देखा ही ना हो, तो ऐसा दृश्य क्रिएट हो रहा था।
और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धोले धोले बादल तो बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे लगते थे। आपको पता है बादल जो हैं उसमें कुछ ये चारों तरफ ऐसे तो काले बादल बताए गए छाए हुए, लेकिन वहीं पहाड़ियों पर सफ़ेद बादल भी दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाले जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं प्राचीन काल के, वो ऋषि मुनि इन पहाड़ों पर उतरे हों नीचे, ऐसा प्रतीत हुआ। इस सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है, यह इतना सारा पानी कहाँ से आता होगा। अब कवि कहते हैं कि इस सारे दृश्य का वर्णन मैं कैसे करूं और इतना सारा पानी जो ही कहाँ से आता है। विपत्तियों में से विजय सहित पार हुआ राष्ट्र जिस तरह वैभव की नई नई छटाएं दिखलाता है और चारों तरफ अपनी समृद्धि फैलाता जाता है, उसी तरह गोदावरी का खंड प्रवाह पहाड़ों में से निकलकर अपने गौरव को साथ में लिए आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेखक कहते हैं कि जैसा जैसे कोई राष्ट्र कोई देश जो बहुत सारी मुसीबतों को झेलता हुआ अब आज़ाद हुआ हो, वो अपने वैभव अपनी सुंदरता अपनी अचीवमेंट्स को साथ लेकर चलता है और चारों दिशाओं में अपनी समृद्धि फैलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार गोदावरी नदी जो थी उसका अखंड प्रवाह कभी ना रुकने वाला प्रवाह जो था वो पहाड़ों से निकलकर अपने गौरव अपनी प्राइड अपनी समृद्धि को साथ लेकर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। छोटे बड़े जहाज तो नदी के बच्चे हैं जो माता के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में मनमाना नाचें खेलें उछलें और कूदें, तो उन्हें इससे रोकने वाला कौन है। लेखक यहाँ पर जो जहाज जो होते हैं जो नदी के अंदर बोट्स जो होती हैं उनको उन्होंने कंपेयर किया है उस उन बच्चों से जो माँ की गोद में खेलते हैं मनमानी करते हैं मस्ती करते हैं उछलते कूदते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि माँ की गोद में उनको सब कुछ करने की आज़ादी होती है। तो यहाँ पर नावों को उन्होंने बच्चों से कंपेयर किया गया है, उस नदी के बच्चों से। कुछ देर दीख पड़े, थोड़ी ही देर में भयानक तूफान का स्वांग रचा और एक ही पल में खिलखिलाकर हंस पड़े, ये भंवर न जाने कहाँ से आते और कहाँ चले जाते। लेखक कहते हैं कि कुछ देर में तो ऐसे लगता कि भयानक तूफान आएगा और फिर दूसरे ही पल वो खिलखिलाकर हंस पड़े। इस प्रकार से उस नदी का भंवर उस नदी का स्वभाव था, यानी कि एक पल में वो बहुत ही विकराल रूप ले लेती थी और कुछ दूसरे ही पल वो उसका पानी जो था वो एक मधुर सी खिलखिलाहट पैदा करने लगता था। ऐसे लंबे चौड़े भारी पाट के दरमियान अगर टापू ना हो तो इनकी नमी इनकी कमी ही रह जाए। गोदावरी के टापू अत्यंत प्रसिद्ध हैं, तो ये जो इतना लंबा चौड़ा जो नदी का तट है इसके ऊपर अगर कोई टापू ना हो कोई आइलैंड ना हो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो नदी का, यानी कि रिवेरन आइलैंड कहा जाता है जिसको, जैसे कि आइलैंड जो हम लोग मेनली जानते हैं लक्षद्वीप और अंदमान निकोबार जो आइलैंड है वो सी से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, लेकिन जो रिवर से घिरा होता है आइलैंड उसको रिवेराइन आइलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर रिवेरन आइलैंड ना हो तो बहुत कमी रह जाएगी। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो गोदावरी नदी के द्वारा बनाए गए जो टापू है वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, कई तो पुराने धर्म की तरह जहाँ के तहाँ स्थिर रूप होकर जमे हुए हैं और कई एक कवि की प्रतिमा की तरह क्षण क्षण भर में स्थल की नवीनता उत्पन्न कर लेते हैं और नया नया रूप ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर नदी के द्वारा जो टापू बनाए गए हैं उन टापुओं के बारे में बताया गया है कि कुछ टापू तो ऐसे हैं जो जैसे थे उसी प्रकार में अपना वही रूप लिए कई सालों से वैसे के वैसे ही खड़े हैं, और कुछ टापू ऐसे भी बताए गए हैं कवि के द्वारा लेखक के द्वारा कि जो पल पल कवियों की तरह अपना रूप बदलते हैं। जैसे कवि जो है वो पल भर में अपनी कविता में नया रस डाल देता है, वैसे जो टापू हैं वो पल भर में अपना रूप बदल लेते हैं। इन टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए। अब ये जो टापू हैं इन पर सिर्फ और सिर्फ बगुलों का बसेरा बताया गया है, यहाँ पर और कोई रहता नहीं है, सिर्फ बगुले आकर यहाँ पर रहते हैं। और इन अनासक्त द्वीपों पर, अनासक्त मतलब ऐसे आइसोलेटेड द्वीप जहाँ पर कोई रहना चाहता ही नहीं, आप आइसोलेटेड जगह पर तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा, तो इन आइसोलेटेड द्वीपों पर इन बगुलों के अलावा और कौन रह सकता है। और जब बगुले चलते हैं तो वे उन पर अपने पैरों के गहरे निशान छोड़े बगैर और जगह कैसे जाए। अपने धवल चरित्र का अनुकरण करने वालों के लिए चरणा चिन्हों द्वारा अगर वे दिशा सूचित न करें तो बगुले ही कैसे। लेखक बता रहे हैं कि ये बगुले जो हैं ये उस द्वीप पर उस मिट्टी पर चलते हुए अपने पाँव के निशान छोड़ते आगे बढ़ जाते हैं, गहरे पाँव के निशान छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं,
और अगर वो छोड़े ना तो फिर बिना निशान छोड़े वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि रेत पर जब आप चलोगे तो आपके पांव के निशान तो पड़ने ही वाले हैं। और आगे वो कहते हैं कि अपने धवल चरित का अनुकरण करने वालों के लिए चरणा चिन्हों द्वारा अगर वे दिशा सूचित ना करें तो बगुले ही कैसे। धवल चरित, धवल का मतलब यहाँ पर तो धवल मतलब सफ़ेद, वाइट। तो अपने सफ़ेद चरित यानी कि उनको पूरा वो सफ़ेद रंग होता है उनका, उसके द्वारा वो अपना अनुकरण करने वाले, अनुकरण का मतलब कॉपी करने वाले, नकल करने वाले जो हैं उनके लिए अगर वो अपने चरणा चिन्ह यानी कि अपने पैरों के फुटप्रिंट्स जो हैं उसके द्वारा अगर उनको दिशा ना, अपनी डायरेक्शन ना बताकर जाएं तो ये बगुले ही कैसे, यानी कि वो पक्षी जो दूसरे कुछ पक्षी भी उनकी कॉपी करते हुए वहाँ पर आते होंगे उन रिवर एंड आइलैंड्स के ऊपर, तो उनके पद चिन्हों पर चलकर वो भी फॉलो कर कर उनको आगे बढ़ते होंगे। तो अगर वो बगुले अपने पद चिन्ह ना छोड़ें यानी कि अपना पैरों का निशान वहाँ ना छोड़ें तो वो बगुले ही कैसे। नदी का किनारा यानी मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव, किनारे पर के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊंचे ऊंचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। तो कवि कहते हैं कि नदी का किनारा जो है वो मनुष्य की कृतज्ञता का अखंड उत्सव माना जाता है, कभी ना ख़त्म होने वाला उत्सव, यानी कि नदी का किनारा, हमें नदी के किनारे पर हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है, तो वहाँ पर एक उत्सव जैसा माहौल लगता है, उसको देखते ही मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, एक अजीब सी खुशी छा जाती है नदी के किनारे को देखती है। किनारे पर के सफ़ेद महल और मंदिर और उनके ऊँचे ऊँचे शिखर ही एक अखंड उपासना है। कभी कहते हैं कि जो किनारे जो हैं वहाँ पर महल बने होते हैं या फिर मंदिर भी बने होते हैं नदियों के किनारे, ये नदियों के किनारे बने हुए मंदिर और महल जो हैं सफ़ेद रंग के, इनके ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं ये भी एक तरह की उपासना पूजा के समान ही हैं। परंतु इतने ही से क्या काव्य पूर्ण संपूर्ण नहीं हो जाता, इसलिए भक्त लोग नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटानाद की लहरों को इस पार से उस पार तक पहुँचाते रहते हैं। तो सिर्फ नदी के दर्शन मात्र से वहाँ पर बने मंदिरों के को देख कर ही सिर्फ कवि कहते हैं कि कविता पूर्ण नहीं हो जाती, इसके लिए भक्त लोग जो होते हैं वो नदी की लहरों पर से मंदिरों के घंटे जो होते हैं, घंटे की जो आवाज़ होती है वो एक पार से दूसरे पार पहुंचाते हैं, यानी कि नदी के एक किनारे पे जो मंदिर बना होता है, घंटियां बजाई जाती हैं, उन घंटियों की आवाज़ दूसरे किनारे तक पहुँचाते हैं, फिर कहीं जाकर ये कविता पूर्ण होती है। संस्कृति के उपासक भारतवासी इस जगह गंगा जल के आधे कलश गोदावरी में उंडेलते और फिर गोदावरी के जल से कलश भरकर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र काव्य है। कवि ने यहाँ पर नदी को कविता से जोड़ा है, यानी कि जो नदी है वो तभी पूर्ण होती है जब वहाँ पर मंदिरों के अंदर शाम और सुबह पूजा अर्चना की जाती है, घंटियों का साउंड जब सुनाई देता है मधुर साउंड एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तभी ये जो कविता है, नदी रूपी कविता है, पूर्ण होती है। और कवि आगे बताते हैं कि हम भारतवासी जो हैं हम संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और हम संस्कृति के उपासक भी हैं, यानी कि पूजा करने वाले, यानी कि हम संस्कृति को मानते हैं, और इसीलिए हम गंगा जल जो है वो लेकर आते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर रिवाज क्या है, रीति रिवाज, वहाँ जाकर कैसे क्या करते हैं लोग, वहाँ लेकर अपने साथ वो जाते हैं एक गंगा जल का भरा कलश, और वहाँ जाकर वो आधा कलश जो है वो गोदावरी में डाल देते हैं और आधा कलश जो बचता है उसके अंदर वो वहाँ से दूसरा जल गोदावरी का जल भरकर ले आते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारी एक विधि है, और कवि कहते हैं कितनी भव्य विधि है और ये कितना पवित्र काव्य है, कितनी पवित्र हमारी गोदावरी नदी है कि हम गंगा जैसी पवित्र नदी का पानी लाकर आधा उसमें उंडेल कर और आधा पानी फिर से उस नदी का गोदावरी का भरकर अपने घर ले जाते हैं। यह भक्ति रस तो हृदय में भरा हुआ है और मंदिरों के घंटानाद और इस हृदय नाद को तो पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। लेखक कह रहे हैं आगे कि मंदिरों का जो घंटा, जो मंदिरों में घंटियां बजाई जाती हैं वो, और हमारे हृदय के अंदर जो घंटियां बजती हैं, यानी कि हृदय के अंदर जो पूजा पाठ की जो स्मृति, जो याद उत्पन्न होती है, ये दोनों चीज़ें एक रिमेम्बरेंस, एक याद के तौर पे ही हम अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी कि मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ उसका साउंड और हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति भरी हुई है, इन दोनों के मेल को हम सिर्फ और सिर्फ एक स्मृति, एक याद के तौर पर ही अपने साथ ले जा सकते हैं।
कानों को तो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। अगर हम आधुनिक संस्कृति के इस प्रतिनिधि से नफरत करना छोड़ दें तो रेल के पहिए का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं लगता और पुल लेखक कहते हैं कि जो इस काल का इनके आधुनिक युग का जो प्रतिनिधि है यानी कि रेल से यहाँ पर उनका तात्पर्य है कि रेल जो है वो बहुत ही साउंड प्रोड्यूस कर रही थी और वो कहते हैं कि कानों में तो सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी लेकिन अगर हम इस रेल से यानी कि आधुनिक जो यंत्र हम आज लोग आजकल यूज़ करते हैं उनसे अगर नफरत करना छोड़ दें तो वो कहते हैं कि रेल के पहिए जो हैं उनका ताल भी बहुत आकर्षक होता है यानी कि आप जो रेल के जो पहिए जो चलते हैं उसका जो साउंड होता है वो भी बहुत ही आकर्षक होता है और ख़ासकर जब वो पुल से गुजरती है, जब नदी पुल के ऊपर से गुजरती है तो उसका विजय नाद यानी कि उसका जो विक्ट्री सॉन्ग जो होता है वो और ज़्यादा संक्रामक लगता है। संक्रामक का मतलब होता है इन्फेक्शियस, जो एक से दूसरे में फैलता है यानी कि वो ऐसा साउंड लगता है कि हमने सुना तो हमारे अंदर से वो दूसरे तक पहुँच जाएगा। पुल पर गाड़ी अच्छी तरह चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूरब की तरफ देखना तो छूट ही गया। अब पुल पर आगे जब गाड़ी बढ़ रही थी तो लेखक को लगा कि मैंने पूरब की तरफ ईस्टर्न साइड में तो मैंने देखा ही नहीं। हमने इस तरफ घूमकर देखा तो वहाँ निराली ही रौनक नज़र आई। लेखक कहते हैं जब उन्होंने दूसरी साइड देखा पूरब की तरफ तो वहाँ पर तो एक अलग ही तरह की रौनक थी। पश्चिम की तरफ गोदावरी जितनी चौड़ी थी उससे भी ज़्यादा पूरब में थी यानी कि लेखक ने क्या देखा था कि पश्चिम में जो गोदावरी थी बहुत ही चौड़ी थी यानी कि बहुत ही ब्रॉड थी, वाइड थी, लेकिन जब उन्होंने पूर्व दिशा में देखा तो गोदावरी उससे भी ज़्यादा चौड़ी थी। उसे कई मार्गों से और उत्तेजित होकर समुद्र में मिलना था। लेखक कहते हैं कि ये नदी जो थी ये कई मार्गों के द्वारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज आती है ना नदियों की छोटी छोटी जो धाराएँ बहती हैं उन धाराओं के यहाँ पर मिलने से नदी का रूप और ज़्यादा विशाल हो गया था और वो और ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी समुद्र में मिलने के लिए। सरितपति से सरिता मिलने जाए और तब उसे सभ्रम घबराहट और उत्तेजना तो होगी ही और गोदावरी तो धीर गंभीर माता ही ठहरी। लेखक कहते हैं सरितपति, सरितपति का मतलब होता है समुद्र। अगर समुद्र से मिलने नदी जाएगी तो ऑब्वियसली उसको थोड़ी घबराहट तो होगी और यहाँ पर जो उसकी घबराहट और उत्तेजना वो तो संभव थी और स्वाभाविक थी, लेकिन गोदावरी जो है वो तो धीरज और गंभीरता की माता मानी जाती है इसलिए वो इतनी ज़्यादा घबराहट नहीं फील कर रही थी। उसका सभ्रम भी उद्दात रूप में ही प्रकट हो सकता है। उसका सभ्रम, सभ्रम का मतलब है बेचैनी। उसकी जो बेचैनी जो है नदी की वो और उसका उद्दात रूप, उद्दात रूप मतलब महान रूप यानी कि उसकी बेचैनी जो थी वो उसके विशाल महान रूप को ही प्रकट कर रही थी। इस ओर के टापू कुछ और किस्म के थे यानी कि उन्होंने पहले पश्चिम दिशा में देखा तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के टापू थे लेकिन जब ईस्टर्न साइड में देखा तो यहाँ के टापू थोड़े डिफरेंट टाइप के थे। उनमें वनश्री की शोभा पूरी पूरी खिल रही थी यानी कि दूसरी तरफ के जो टापू थे वहाँ पर वनश्री, वनश्री का मतलब यहाँ पर बात की गई है फॉरेस्ट से यानी कि पेड़ खिले हुए थे, वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ थे। ब्राह्मणों या किसानों के झोंपड़े इस ओर से दिखाई नहीं पड़ते थे। अगर बहते हुए पानी के हमले के सामने टक्कर लेते हुए इन टापुओं में किसी ने ऊंचे महल बनाए होते तो वे दूर से ही दिख पड़ते। तो लेखक कहते हैं इस दिशा का जो टापू थे पूर्व दिशा के वो वन जंगलों से घिरे हुए थे यानी कि वहाँ पर पेड़ थे और बाकी वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर किसान और ब्राह्मण रहते तो उनके झोंपड़े हमें इस ओर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो ये टापू जो हैं ये नदी के पानी के हमले के बीच में टक्कर लेते हुए उसके सामने खड़े हैं, इन टापुओं पर अगर किसी के महल ऊंचे होते तो वो दूर से ही दिखाई पड़ते यानी कि ये टापू भी ऐसे हैं जहाँ पर कोई रहता नहीं है। कुदरत ने तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएँ खड़ी कर रखी थी और बाईं ओर राजमहेंद्री और धवलेश्वर का सुखी जन समाज आनंद मना रहा था। लेखक कहते हैं कि कुदरत ने यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएँ, पताकाएँ का मतलब होता है झंडे, जब हम जीत जाते हैं तो झंडे लहराते हैं ना विजय के फलस्वरूप, तो लेखक कहते हैं कि कुदरत ने यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों को अपनी विजय पताकाओं के रूप में खड़ा कर रखा था और एक तरफ राजमहेंद्री और धवलेश्वरी
का सुखी जन समाज आनंद मना रहा था, यानी कि वहाँ के जो निवासी थे, लोग थे, वो आनंद ले रहे थे। ऐसे दुर्लभ दृश्य के दर्शन से तृप्त होने से पहले ही दाहिनी ओर नदी के किनारे से सटकर मस्ती और अल्लड़पन के साथ बहते हुए कांस की सफ़ेद कलगियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक जाता हुआ नज़र आ रहा था। लेखक कहते हैं, ये दृश्य बहुत ही दुर्लभ यानी कि बहुत ही रेयर था, आम तौर पर ना दिखने वाला, और ये दृश्य इतना ज़्यादा सुंदर था कि कोई भी इसको देखकर तृप्त हो जाएगा। और नदी के किनारे पर सटकर मस्ती और अलड़पन के साथ बहते हुए कांस की सफ़ेद कलगियाँ, कांस यहाँ पर कोई एक प्रकार का पक्षी बताया गया होगा शायद, ये सफ़ेद कलगियों वाला जैसे बताया गया, पर सफ़ेद कलगियों का स्थावर प्रवाह यानी कि स्थिर प्रवाह जो कि एक स्टेबल वे में बहता हुआ दिखाई पड़ रहा था और ये दूर तक जाता हुआ नज़र आ रहा था। नदी के पानी में उन्माद था, उसमें लहरें ना थी, यानी कि नदी का पानी जो था वो पागलपन था, उसमें उछल कूद करता हुआ बह रहा था और लहरें तो थी नहीं उसमें। कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा था उससे वह मनमानी हिलोरे उछाल सकता था। कलगियों के इस प्रवाह ने हवा के साथ साथ जो षड्यंत्र रचा, यानी कि ये जो बह रहे थे वहाँ पर कलगियाँ जो हमने अभी जस्ट देखा पीछे, सफ़ेद कलगियाँ जो बह रही थी, उसके और हवा ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे लहरें जो थी वो एक दूसरे के साथ मनमानी करते हुए हिलोरे यानी कि हिलती डोलती उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। कम हो भी क्यों, लेकिन कांस की कलगियों का प्रवाह तो बहता ही जा रहा था। अब प्रवाह कम नहीं हो रहा था और बढ़ता जा रहा था, लेकिन कांस का जो प्रवाह था, कांस की कलगियों का प्रवाह, वो बढ़ता ही जा रहा था। वो कम क्यों हो, गोदावरी के प्रवाह के साथ होड़ करते हुए भी उसे संकोच न होता था। गोदावरी नदी के प्रवाह के साथ वो होड़ करना, होड़ करने का मतलब होता है रेस लगाना या फिर कंपीट करना, तो उसको जो यहाँ पर सफ़ेद कलगियाँ बताई गई हैं उनको वहाँ पर कंपीट करते हुए इस नदी के साथ उसको संकोच नहीं हो रहा था, उसको बिल्कुल भी दुख या फिर उसको बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लग रहा था। और वह संकोच क्यों करे, गोदावरी माता के विशाल तट पर इसने क्या कम स्तन्यपान किया था, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है कलगियों के बारे में, सफ़ेद कलगियाँ जो हैं वो गोदावरी नदी में इतनी तेज़ी से बहते हुए उसकी लहरों के साथ आगे बढ़ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कंपीट कर रही हैं, रेस लगा रही हैं नदी के साथ कि आगे कौन निकलेगा। और कवि कहते हैं कि वो संकोच करें तो क्यों करें, क्योंकि वो इसी विशाल तट पर पैदा हुए हैं और यहीं पर वो इसी माता की गोद में बड़े हुए हैं, तो इसी माता के पुत्र हैं, इसलिए वो क्यों डरे। माता गोदावरी, राम लक्ष्मण और सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है। तो लेखक कहते हैं कि माता गोदावरी, हे माँ गोदावरी, राम लक्ष्मण सीता से लेकर बूढ़े जटायु तक सबको तूने ही स्तन्यपान कराया है, यानी कि अपना दूध पिलाया है माँ, तो वो डरे भी तो डरे कैसे। तेरे तट पर शूरवीर भी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी। तो कवि कहते हैं कि तेरे तट पर, तेरे किनारे पर शूरवीर पैदा हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए हैं, साधु संत भी पैदा हुए हैं और धुरंधर राजनीतिज्ञ भी पैदा हुए हैं, बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियंस भी पैदा हुए हैं और ईश्वर भक्त भी। चारों वर्णों की तू माता है, तू चारों वर्णों की माता है, मेरे पूर्वजों की तू अधिष्ठात्री देवी है। और लेखक कहते हैं कि मेरे पूर्वजों की तुम अधिष्ठात्री माता, अधिष्ठात्री का मतलब यहाँ पर माता से है कि तुम मेरे पूर्वजों की माता हो, देवी माता हो, नई नई आशाओं को लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत आशाएं लेकर तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ, तेरे जल में अमोघ शक्ति है, तेरे जल के अंदर बहुत ही अमोघ, अमोघ का मतलब जो फेल नहीं हो सकती है कभी, अभेद यानी कि जिसको रोका नहीं जा सकता, इतनी शक्ति है, तेरे पानी की एक बूंद का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाता। तो कवि इतने ज़्यादा, लेखक इतने ज़्यादा आस्था रखते हैं नदी के अंदर, खासकर गोदावरी नदी में, कि उन्होंने अंत में ये भी लिखा है कि तेरी पानी की एक भी बूंद का सेवन जो है वो व्यर्थ नहीं जाता है।